स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में जो 17 अक्टूबर को हुए थे। तो लगभग दो शिफ्ट हुए थे और शिफ्ट का क्या कंडीशंस था, क्योंकि बहुत कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इतना अटेम्प्ट हुआ, बहुत ही कम अटेम्प्ट हुआ एज़ कम्पेयर टू IBPS PO। PO प्रीलिम्स में कुछ अच्छा अटेम्प्ट हो गया था तो इसमें, लेकिन अटेम्प्ट बहुत कम हुआ है। अब अटेम्प्ट क्यों कम हुआ है ये भी रीज़न है, पेपर का लेवल कैसा था। तो बहुत लोग कह रहे हैं यूट्यूब पर देखें तो इजी था, कुछ लोग कुछ सोर्स बता रहा है कि 70 प्लस कट ऑफ रहेगा, कुछ सोर्स बता रहे हैं 60 प्लस कट ऑफ रहेगा, कुछ सोर्स बता रहे हैं 50 प्लस कट ऑफ रहेगा। तो मेरे अनुसार मैंने जैसे एनालाइज़ किया, बात करने के बाद कैंडिडेट को ये पता चला पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ईजी नहीं था। ठीक है, ईजी तो मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा। तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था पेपर, तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो गुड बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं उनका भी अटेम्प्ट आपको 65-60 के अराउंड देखने को मिला है। शायद अभी तक मेरा किसी कैंडिडेट से बात नहीं हुआ जो 75-80 प्लस करके आए हैं, अराउंड 65-67-68 इसी के अराउंड में अटेम्प्ट हुआ है कैंडिडेट का। तो मेरा यही मानना है कि देखिए कट ऑफ इस बार भी लो रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था एज़ कम्पेयर टू IBPS PO। ये SBI PO का टफ था। ठीक है, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, आपका कौन से शिफ्ट में था, थर्ड फोर्थ शिफ्ट में थर्ड में था या फोर्थ में शिफ्ट में था, आप लोग बताना अपना। तो यहाँ पर जैसे एक सोर्स है जैसे Adda247 का मैंने लिया है, तो यहाँ पर 19-23 है। तो आप ये समझते हो रीजनिंग का दिया है 21-25, क्वांट का दिया है 17, ठीक है 7, 8, 9, 10, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 57 के अराउंड जा रहा है कट ऑफ। ठीक है, मतलब एवरेज दिखा रहा है कि प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 57 के अराउंड है और 65 के अराउंड है, इसके बीच में। तो मेरे अनुसार आपका अगर अटेम्प्ट अगर 55 भी है अटेम्प्ट तो आप सेफ हो मेरे हिसाब से, एक्यूरेसी बस मैटर करता है। अगर 50 भी आप अटेम्प्ट किए हो बस एक्यूरेसी मैटर करेगा आपको। तो एक्यूरेसी पे अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका 55 भी अटेम्प्ट है फिर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। पेपर का लेवल रियली बहुत डिफिकल्ट था, इतना आसान नहीं था। जो नए कैंडिडेट है उनका तो ऐसे ही पता चला होगा, जो पुराने कैंडिडेट है उनको भी डिफ़िकल्टी लगा। पजल्स देखा गया है कि थोड़ा लेंदी थे, DI कैलकुलेटिव था, जो भी था जो क्वेश्चंस थे कैलकुलेटिव था, इतना जल्द सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस था। तो ये ओवरऑल एनालिसिस या क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग है, चेंज नहीं है, जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कटअप पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी।